नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। पंचायतों में भ्रष्टाचार कितना चरम पर है यह तो आए दिन देखने को मिलता है, लेकिन भ्रष्टाचारी सरपंच सचिवों के साथ अधिकारियों की कलई उस समय खुल जाती है जब चुनाव आयोग के द्वारा लागू की गई आचार संहिता का भी उल्लंघन करते हुए वो अपनी तिजोरी भरने से पीछे नहीं हटते। हम बात कर रहे हैं रीवा जनपद पंचायत की, जहाँ भ्रष्ट कार्यप्रणाली का कई बार खुलासा हो चुका है, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह इस पंचवर्षीय के कार्यकाल खत्म होने के बाद लागू आचार संहिता के बाद भी की गई धांधली की पूरी पोल खोल दे रहा है। दरअसल आचार संहिता के बाद कोई नए भूमि पूजन और विकास या फिर पैसे का लेन देन सरपंच सचिव नहीं कर सकते। इसके बावजूद भ्रष्टाचारियों ने अपनी तिजोरी भरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। अब लेन देन कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी पूरे भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने में लगी हैं। निश्चित तौर पर जिले के अधिकारी भी भ्रष्टाचारियों को सहयोग दे रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रीवा के द्वारा 6 दिसंबर को उन भ्रष्टाचारियों को नोटिस जारी किया गया जिनके द्वारा आचार संहिता लागू होने के बाद भी पैसे का आहरण किया गया। उन भ्रष्टाचारियों में ग्राम पंचायत टीकर, ग्राम पंचायत कोठी, ग्राम पंचायत बेहरा, ग्राम पंचायत कुल्लू, ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर, ग्राम पंचायत मैदानी, ग्राम पंचायत पैपखरा, ग्राम पंचायत सुपिया शामिल है, जिनकी जानकारी होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने नोटिस भी जारी किया। लेकिन नोटिस जारी होने से क्या होता है, पैसे का लेन देन शुरू हुआ। अब वही नोटिस जारी करने वाली मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वयं मुकर गई कि कोई आहरण नहीं हुआ है। जबकि मैं आपको बता दूं कि बेहरा सरपंच सचिव के द्वारा 44,500 रुपए निकाले गए, कोस्टा पंचायत के द्वारा 3,89,600 रुपए, कोठी पंचायत के द्वारा 50,000 रुपए, वहीं कुल्लू पंचायत में 4,24,800 रुपए, लक्ष्मणपुर पंचायत में 49,000 रुपए, मैदानी ग्राम पंचायत में 1,50,000 रुपए, पैपखरा ग्राम पंचायत में 1,39,000 रुपए, इसी तरह से सुपिया ग्राम पंचायत में 1,25,000 रुपए और टीकर ग्राम पंचायत में 24,79,200 रुपए निकाला गया। अब जिसे वापस करवाने में अधिकारियों को पसीना छूटेगा, लेकिन जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पूरे मामले में पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। लेकिन जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अब पूरे मामले पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। जब हमने इनके कारनामों के संबंध में बात की तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपने नोटिस को ही झुठला दी और कहा कि किसी के द्वारा कोई पैसा नहीं निकाला गया। आप पहले उस नोटिस को देखिए जिसमें उक्त ग्राम पंचायत के सचिवों के लिए नोटिस जारी की गई है, और उसके बाद दिखाते हैं कि किस तरह से मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपने नोटिस को ही नकार रही है, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और इस भ्रष्टाचार में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीईओ से लेकर कलेक्टर तक शामिल हैं। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तो निश्चित तौर पर सभी अधिकारी जनप्रतिनिधियों की संलिप्तता मानी जाएगी। मैडम, आचार संहिता लागू हो गई जिसमें आपकी 7 पंचायतों ने पैसे निकाल लिए हैं, तो जांच संहिता लागू होने के बाद मैम आप इसका जवाब तो दे सकती हैं ना। मैम बता सकती है ना, आप एक सीओ के पद पे हैं तो आप ये तो बता सकती हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।